बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। नेक्स्ट मेथड व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मॉडिफाइड आयलर मेथड। द आइडिया ऑफ द मॉडिफाइड आयलर मेथड इज सिमिलर टू ह्यून्स मेथड इन द सेंस दैट द एक्यूरेट स्लोप ऑफ द बिगिनिंग of the step leads to an improved solution accuracy at the end of the step. This method determines the value and its slope at the midpoint as shown in the figure. Figure में आप देख लें, figure उसी तरह की है, mid point पे इसका स्लोप निकल रहा है, यानी वो आप देखो f x i plus 1 और y आपने लेना i plus 1 over 2, mid point पे है। इसी तरह ये ए पार्ट में स्लोप एट द मिड स्टेप है और बी में है यूज ऑफ एवरेज स्लोप है। सो दिस मेथड डिटरमिन्स द वैल्यू एंड इट्स स्लोप एट द मिड स्टेप एज शोन इन द फिगर 6 ए। द कंप्यूटेड स्लोप इज देन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेप टू प्रेडिक्ट द सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द स्टेप एज शोन इन फिगर बी। द सॉल्यूशन एट मिड स्टेप इज फर्स्ट डिटरमिन्ड बाई आयलर मैथड। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आयलर मैथड का फार्मूला है। तो इसके बाद इसका स्लो फाइंड आउट कर लेना है एट वाई आई प्लस 1 ओवर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और उसके बाद जो इसका फार्मूला बनता है, द कंप्यूटर स्लोप इज यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेप टू डिटरमिन द सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द स्टेप फ्रॉम, ये तीसरा जो है ये आपने एट द एंड ऑफ द स्टेप ये फाइंड आउट करना है। अब आप देखो नेक्स्ट पेज पे कि हम इसकी एग्जांपल लेंगे। दिस इज एग्जांपल नंबर 3। वी आर गोइंग टू यूज दिस मॉडिफाइड आयलर मेथड टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। उसी तरह से टेबल है, अगर आप देखते हैं तो ये देखें, इसी तरह से हमने पहले सबसे पहले आयलर मेथड यूज कर लेना है। वाई आई प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू वाई आई प्लस एफ एक्स आई वाई आई एच ओवर 2, और वाई आई 0 के लिए वाई 1 ओवर 2 निकाल लिया। अब उसके बाद स्लोप निकालना वाई डैश, तो उसमें ये देखो आप के वाई 1 ओवर 2 ये यूज हो जाएगा, एक्स 1 ओवर 2 और वाई 1 ओवर 2 ये यूज हो जाएंगे, और वाई डैश 1 ओवर 2 निकल आया, ये 1.31637 निकला। तो अब ये फार्मूला 3 हमने यूज कर लेना है, जो फाइनल हमारा फार्मूला है। तो उसमें ये वैल्यूज रखते हैं, उसी तरह से हमने ये वाई वन निकाल लिया है। तो टेबल में देखे, जैसे मैं पहले भी बताया मैंने कि एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट आप लिख लेते हैं, तो वाई जीरो गिवन होता है, तो वाई वन ये निकल आया। अब ये आई जीरो के लिए फर्स्ट राउंड का सोल्यूशन वाई वन निकला, इसी को हमने आगे चलाना है फॉर सेकंड राउंड। एक्स वन इज इक्वल टू 1, वाई वन इज इक्वल टू 2.31 हो गया। तो द सॉल्यूशन एंड इट्स स्लोप, अब तीनों चीजें इकट्ठी नीचे कैलकुलेट की हुई हैं, सॉल्यूशन एंड इट्स स्लोप एट द मिड स्टेप, द कंप्यूटर सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द स्टेप एंड द एग्जैक्ट एरर, ये कैलकुलेटेड सारी वैल्यू। पहले वाई आई प्लस 1 ओवर 2, अब आई 1 रखा ना, तो ये वाई डैश 1 प्लस 1 ओवर 3 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप जब इसमें कैलकुलेशंस करेंगे तो वाई 2 का फार्मूला फिर लगेगा, तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन की हुई है, तो इस तरह से वाई 2 निकल आया। और ऐसे ही ये ट्रू एरर भी निकल आई साथ सेकंड राउंड में, तो थर्ड राउंड भी इसी तरह इसको आपने रिपीट करना है। सिमिलरली द थर्ड राउंड एट एक्स इज इक्वल टू विद वाई टू इज इक्वल टू 2.52449, द सॉल्यूशन एंड इट्स स्लोप एट द मिड पॉइंट, द कंप्यूटेड सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द स्टेप एंड द एग्जैक्ट एरर आर, ये देखो वाई 2 प्लस 1 ओवर 2 हो गया, ये अब आगे जाके यूज हो जाएगा, वाई डैश 2 प्लस 1 ओवर 2, ये वाई 3 में जब ये इसको आप यूज कर लेंगे तो ये इसका वाई 3 निकल आया, तो ट्रू एरर भी निकाल ली। अब देखो इसका, इसके ग्राफ जरा गौर से देख लीजिएगा। द सॉल्यूशन ऑब्टेंड फ्रॉम द मॉडिफाइड आयलर मेथड यूजिंग एच इज इक्वल टू 1 इज कंप्यूटेड विद आयलर्स ह्यून्स एंड एग्जैक्ट सॉल्यूशन एज प्लॉटेड इन फिगर 7। तो ये देखिए, ये पहली हमारी वही कर्व है जो पीछे चलती आ रही है, फिर आयलर मेथड का
ग्राफ वही है जो पिछली फिगर में था। अब यहाँ पे ह्यून्स और मॉडिफाइड आयलर में आप देख लें कि ह्यून्स का ग्राफ ये नीचे थोड़ा सा, इसमें इतनी कर्व नहीं बनती। मॉडिफाइड आयलर नियर टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ये देखो इसकी कर्व बन रही है। द कंपैरिजन ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑब्टेंड फ्रॉम द आयलर्स ह्यून्स एंड मॉडिफाइड आयलर्स मेथड विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। द कंप्यूटेड सॉल्यूशन एट एच इज इक्वल टू 0.25 इज ऑल्सो कंप्यूटेड एट ऑल दीज मेथड्स, इन ऑल दीज मेथड इन टेबल गिवन बिलो। तो ये नीचे टेबल में ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। तो टेबल आप देखो नेक्स्ट पेज पे कि भाई इसमें किस तरह से कंपैरिजन शो किया हुआ है, और इसमें कंपैरिजन शो किया हुआ है एक्स की वैल्यूज ली हुई हैं 0.25 पे 3 तक। एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका निकल आया, वे आयलर मेथड से हमने ये निकाला था, ये कॉलम ह्यून्स मेथड का कॉलम ये हमने निकाला था, अब मॉडिफाइड आयलर मेथड से भी हमने ये निकाल लिया है। तो ये देखे 3 पे अगर आप देखो गौर से, तो अगर आप इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन देखो 3 पे, और फिर आयलर सॉल्यूशन देखो 3 पे, और ह्यून्स सॉल्यूशन भी 3 पे देखो, तो ये देखो मॉडिफाइड आयलर और ह्यून्स मेथड में ये एंड पे ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाती हैं। तो इसमें ये जो टेबल है इसमें क्या किया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेंड फ्रॉम द आयलर ह्यून्स एंड मॉडिफाइड आयलर मेथड विद एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो इस तरह से इनका कंपैरिजन आपका आपके पास आ जाता है। तो ये कैलकुलेशंस आपने ये आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए आपने ये 3 तक ये सारी कैलकुलेशंस आपने खुद कर लेनी है, और ये वेरीफाई कर लेना है ग्राफ, ये जो टेबल है। ठीक है, इट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।